नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अरविंद कुमार शुक्ला है, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, कलेक्टरगंज मेरा निवास है। और पिछले महीने मेरा इलाज यहाँ पे हुआ था। क्या बीमारी थी? मुझे हाइड्रोसिल की दिक्कत थी, यानी कि हाइड्रोसिल में पानी आ गया था। अच्छा। तो उसका मैंने हालांकि पहले दूसरे डॉक्टरों को दिखाया और सूखने की दवा खाई, जिसका कि साइड इफेक्ट ये हुआ कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो भी गाढ़ा हो गया, जिससे ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत होने लगी थी। तो आपने जिन डॉक्टर दिखाया तो किस विद्या के डॉक्टर थे? एलोपैथ के थे? आयुर्वेद के थे? ये सर आयुर्वेद के डॉक्टर थे। और मेरा साला यहाँ 4-5 साल पहले उसने भी आयुर्वेद से इलाज करवाया था, उसके दोनों तरफ जो है पानी काफ़ी भरा हुआ था, और उस इलाज से वो आज तक बिल्कुल स्वस्थ है और उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल होंगे, आपने बताया कि हमारे आने के पहले आपने किसी डॉक्टर से इलाज कराया था। जी जी। इससे आपका खून में कोई दिक्कत आ गई थी? आगे वो कौन से डॉक्टर थे? एलोपैथ के थे? आयुर्वेद के? वो एलोपैथ डॉक्टर थे। उन्होंने जो है सूखने की दवा दी थी, दर्द की दवा दी थी, एंटीबायोटिक वगैरह। हाँ हाँ, वो बहुत डैमेज किया उसने, तो उससे हमें हाई ब्लड प्रेशर। फिर आप यहाँ आए हमारे यहाँ? फिर जो है हमारे साले के द्वारा हमको पता चला कि डॉक्टर साहब आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करते हैं और चीरा फारा नहीं है, केवल इंजेक्शन से पानी निकालते हैं। हमने आपका इलाज जो किया उसमें कोई भी चीरा फाड़ी बरती बेहोशी किया? नहीं नहीं, कहीं नहीं। मुझे फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं हुई, सेकेंड टाइम में हल्की सी दिक्कत हुई थी, वो भी बहुत नॉर्मल हुई थी, और फिर आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बाइक भी चला रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, रेस्ट भी नहीं किया घर में, तुरंत जॉब मिल गया। इलाज के बाद जैसे हमने आपका इलाज किया, उसके बाद भी कोई आराम किया था आपने? जी सर। इलाज ऐसे नहीं आपको किया? जी सर। तो यहाँ अस्पताल में हमने आपको रोका था थोड़ी देर कुछ? नो नो नो, आपने तुरंत बस इतना कंपाउंडर सर ने पूछा कि आपको कोई दिक्कत हो रही, नहीं कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, तुरंत चले गए। अच्छा, आपको इलाज के दौरान कोई भी दवा खिलवाई? नहीं नहीं, एक भी दवा नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि कहीं भी आप इलाज कराते हैं, ऑपरेशन के बाद आपको दवा खानी होती है, महीनों हफ्तों खानी होती है, और सूखने की तो पक्का खानी होती है, क्योंकि बिना दवा के वो सूख ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ कोई ट्रीटमेंट नहीं, केवल इंजेक्शन से इलाज हुआ, बहुत नॉर्मल हुआ है, और कोई दवा खाने की नहीं दी है। तो अच्छा, आप ये बताइए हमको कि आपने सर्जरी क्यों नहीं कराई? एलोपैथी सर्जरी होती है, वेस्टर्न सर्जरी, वो क्यों नहीं कराई? आयुर्वेद क्यों आ गए? सर उससे हमको ये डर लगता था कि पता नहीं वो सही रहे, कारगर रहे या ना रहे। फिर चीरा फारी से भी डर लगता है, ब्लड निकलेगा, पता नहीं कौन सी नस कट जाए, क्या हो जाए, तो उससे हमारा शरीर डैमेज हो सकता है। या फिर एक और दिक्कत आती है कि ऑपरेशन के बाद आप वजन सामान नहीं उठा सकते, दौड़ नहीं सकते, इस तरह की तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन डॉक्टर साहब के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने हमको बताया था, हमको जहाँ तक याद में है कि आपने किसी पेशेंट को देखा था सर्जरी के एक दो महीने बाद ही चलने में असमर्थ था किसी? जी सर, जी सर, यही हाल ही की बात है, जब मेरा हाइड्रोसिल हुआ था तो वहीं पास में मैं टहलते हुए बाजार की तरफ जा रहा था, तो एक शख्स मिले, तो वो भी पैर जो है लंगड़ा लंगड़ा चल रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत हुई, तो बताया मैंने ऑपरेशन कराया हाइड्रोसिल का, तो बताया थे पानी आ गया था, तो करीबन एक महीने हो गया था उनका, अभी भी ठीक नहीं हुआ था, तो उसी डर से फिर हमने ऑपरेशन को ठीक नहीं समझा। तो आप यहाँ कितनी बार आए हैं इलाज के? सर मैं यहाँ पर इलाज के लिए, हाँ, दो बार तो हमारा ट्रीटमेंट हुआ है और दो बार हमारा चेकअप हुआ है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात का, और हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे आने पर कभी आपने ये अपने भारत के जो आयुर्वेद इसका इलाज किया था कभी कोई? जी सर, आयुर्वेद, आयुर्वेद सर अभी तक तो नहीं किया था, फर्स्ट टाइम किया था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि एक जो भ्रांति के आयुर्वेद स्लो इलाज करता है, ठीक नहीं कर पाता है? नहीं नहीं सर, जो आयुर्वेद बहुत अच्छा इलाज करता है, सटीक इलाज करता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं, सबसे अच्छी बात ये है। अदर ट्रीटमेंट में ये होता है कि उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है, एक बीमारी सही होगी, 4 बीमारी उसमें तैयार हो जाती है, इसमें आयुर्वेद में ऐसा नहीं है और इसके साइड इफेक्ट नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है। चलिए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या आप आयुर्वेद के इलाज के बारे में क्या आप भारत सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, भारत सरकार से यही कहेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में आप लोगों की आयुर्वेद की दवा उपलब्ध कराएं, डॉक्टर्स अवेलेबल कराएं, जिससे जो गरीब जनता है उसको इसका फ़ायदा मिल सके। जो लोग गाँव से हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डॉक्टर साहब से इलाज करवा सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करे और हॉस्पिटल खुलवाएँ और आयुर्वेद का इलाज करवाएं। गरीब का पैसे से तो इलाज में मदद मिल जाएगी। जी सर।
उसके अलावा मेरे को भी फायदा होगा पैसे के अलावा भी। हाँ पैसे के अलावा भी फायदा ये हो जाएगा कि उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, गलत डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाएगा, नहीं तो पहले बेचारा इधर उधर भटकेगा, पैसा देगा बीमारी से कराएगा, तो उसका विकास भी डेवलपमेंट भी रुक सकता है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।